अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज दिखाए जाने वाले एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है हाफिजा साजदा और एक जुर्म का वाकया, गढ़ा मोड़ विहाड़ी का केस, FIR 295/11 का अहवाल। माँ बाप बेटी को सब कुछ दे सकते हैं मगर नसीब नहीं, एक दुखों की मारी की आप बीती, देखिए मेरी कहानी में। पुलिस से तो साफ छूट जाते हैं, लुटेरे आवाम को छूट जाते हैं, मुश्तरी होशियार बाश। ये केस है एक ऐसी वारदात का जो हुई तहसील मैलसी जिला विहाड़ी के एक गांव में, एक ऐसी वारदात जिससे गांव के तमाम लोगों के सर शर्म से झुक गए। आइए देखते हैं इस वारदात का अहवाल। चक 88WB जो आबाद है 50,000 आबादी वाले कस्बे गढ़ा मोड़ के पास, यही रहता था मोहम्मद रफीक रहमानी अपने 6 बच्चों के साथ। उसकी 3 बेटियों में साजदा सबसे छोटी थी। साजदा जब हुई 6 साल की तो दुनिया से उठ गई उसकी माँ, और जरा सी और बड़ी हुई तो उसका बाप मोहम्मद रफीक रहमानी भी छोड़ गया दारे फानी। साजदा स्कूल न जा सकी मगर उसने मेहनत की और अनपढ़ साजदा बन गई कुरान करीम की हाफिजा। ये थी यतीम और मिस्कीन हाफिजा साजदा, जो 5 वक्त की नमाजी और कुरान पाक पढ़ने की पाबंद थी। 13 साला साजदा इलाके में मशहूर थी एक नेक और पाकबाज लड़की के तौर पर। साजदा की जान पहचान थी 18 साला जरीना से, जो कपड़े धोने आती थी घाट पर, और साजदा और जरीना दोस्त बनी थी वहीं पर। मगर 13 साला साजदा नहीं जानती थी कि जरीना और उसके घर की शोहरत मोहल्ले में कुछ ठीक नहीं। बच्ची जो साजदा है इंतहाई शरीफ लड़की है, क्योंकि मैं 47 से यहाँ आबाद हूँ और ये बच्ची जो है इसकी तो उम्र 15-16 साल की है, मैं इसे बचपन से जानता हूँ। इंतहाई शरीफ लड़की है, इसका किरदार नहायत ही शरीफाना था। फिर इसके वालदेन की सरपरस्ती भी नहीं है, बाप और वालदा दोनों इसके फौत हो चुके हैं, ये यतीम बच्ची थी। दूसरा घर जो है वो कुछ वैसी टाइप घर था, अनपढ़ और नहायत ही अहमक तरीन लोग हैं ये पूरे घर जो है। इन्हें ना किसी की इज्जत व आबरू का ख्याल था और ना ही वो कुछ समझते थे किसी को कुछ भी। ये बाबा जलाल है, मोहल्ले का उम्र रसीदा और जहां दीदा आदमी। बच्ची ये नेक है, इन्होंने कोई कर्तव्य मारा नहीं है, और हाफिज कुरान भी है। बाकी है भी शरीफ आदमी है, गरीब है, बच्चे ये जड़े है लोग है भी जरीना का घर साजदा के घर के करीब ही था। आते जाते सलाम हो जाता और कभी कभी रुक कर गली में ही कलाम हो जाता। साजदा का भाई साजिद कबूतर उड़ाने का शौकीन था। वो कोई काम वाम ज्यादा ना करता, बस कबूतरों के पास वक्त गुजारता और उनका दाना पानी करता। कबूतरों का दाएं बाएं उड़ान भरना उसे बहुत भाता था, और जब तक वो अपने कबूतर देख न ले रह नहीं पाता था। मगर उसे नहीं पता था कि यही कबूतरबाजी का शौक महंगा पड़ जाएगा, और एक वाकये के बाद वो शर्म से जमीन में गड़ जाएगा। 19 जून 2011 साजिद कबूतर उड़ा रहा था कि उन्हीं में से एक बैठ गया
जरीना के घर की मुंडेर पर। ये कोई नई बात नहीं थी, उसके कबूतर इधर उधर बैठ ही जाया करते थे और थोड़ी देर बाद लौट आया करते थे, मगर ये कबूतर वापस नहीं आ रहा था। उसने थोड़ा इंतजार किया कि आ जाए कबूतर, फिर वो पहुंच गया साजदा के घर और दीवार पर बैठा कबूतर उड़ाने की कोशिश करने लगा। फिर वो उसे पकड़ने के लिए चढ़ गया घर की दीवार पर। जरीना घर के आंगन में ही झाड़ू दे रही थी, साजिद का पांव उचट गया और वो दीवार से गिरकर घर के आंगन में आ गया। जरीना बोल उठी कि उसे कोई शर्म नहीं है। साजिद ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये कोई नई बात तो नहीं, मगर वो लत्ते ले रही थी। यही शोर बाहर से गुजरती कुछ औरतों ने सुना तो उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया। जरीना ने दरवाजा खोला और साजिद पर उसकी इज्जत पर हाथ डालने का इल्जाम लगाया। साजिद ने उन्हें कहा कि ऐसा नहीं है, वो कबूतर पकड़ने आया था, ये तकरीबन मामूल की बात ही तो है। मगर इसी दौरान घर आ गए जरीना के माँ बाप और भाई। फिर उसने जाने में ही आफियत समझी और घर लौट आया। ये बच्चा जो है उस लड़की का, साजदा का भाई जो है, ये कबूतर तकरीबन उड़ाया करता था। तो इसके पास एक दो जोड़े कबूतरों के थे। एक दिन कबूतर एक उड़कर उनकी छत पे चला गया। ये लड़का जाके उधर से ले आया और जिस वक्त घर से आया तो वो देख रहे थे। उन्होंने पूछा भी तो क्या लेके जा रहा है। वो लड़का दौड़ कर घर आ गया। उन्होंने कहा था हम तुमसे इसका बदला लेंगे। उसकी माँ इस बात पर तिलमिलाई और साजदा के घर चली आई। उसने बात बढ़ाई और फिर खवातीन में बहुत देर तक होती रही ताना तशनी और लड़ाई। साजदे दी बीवी सीगी ओह, ते दूसरी बाग वाली दी बीवी सी जड़ी दरवाजे खड़ी सीगी, ते तीसरी करसियादा सी दरवाजे खड़ी। ये तिन्ने इस मौके ते हाथ में खड़ियां सीगी दरवाजे अगे, ते मैं झाड़ू दिंदी पई सी हाथ दे विच, ते इन्हें साढ़े हाथ दे विच छाल मारी कंध तो नहीं चाढ़ के। ते मैं इन्हूं कहा साजदे साढ़े हाथ दे विच लैन आया वा, कहिंदा मैं कबूतर फड़न आया वा। मैं भज के कुंडी खोलन लगी, इन्हें मेरी बाँह फड़ ली, मेरे नाल हथों पाई होण लग गया। मैं उत्थे रौला मचा दिता ते मैं आपदी माँ नूं आके दस्या। मेरी माँ इन्हां दे घरे लांबा लैके गई शाम नूं, ते उन्हां ने मुंडा भजा दिता। फिर जरीना की माँ घर लौटी और खूब कान भरे उसके बाप भाइयों के। साजदा और उसके घर वालों के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि क्या होने वाला है। 20 अगस्त 2011, साजदा मैले कपड़ों की गठड़ी उठाए सवेरे सवेरे चली घाट पर। उसके साथ उसकी दो और हमजोलियाँ थीं। तीनों लड़कियों ने कपड़े धोए, सुखाए और फिर गठड़ी में बांध कर उठाए। तीनों लड़कियां आ रही थीं और हंसते हंसते एक दूसरे को मजाक का निशाना बना रही थीं कि जरीना के घर के सामने से गुजरी। घर के दरवाजे पर खड़े थे जरीना का बाप और भाई। उन्होंने आओ देखा ना ताओ साजदा को घेर लिया और उसे पकड़कर खींचते हुए घर में ले जाने लगे। साजदा चिल्लाई कि चाचा ये क्या कर रहे हो, मगर जरीना के बाप ने एक ना सुनी। साजदा की दोनों हमजोलियां उसे छुड़ाने के लिए बढ़ी तो जरीना के बाप नजीर अहमद ने उन्हें धक्के दिए और साजदा को घर में ले जाकर गेट बंद कर दिया। साजदा तीन जाने से कपड़े तो कह जाते पक्की देती ते दो फासला विगे का फासला रोड चलता और धोई जाते तो इन्हें तिना ने गेड़े मारे से तो पता नहीं ताड़ते फिरते से। मैंने तो कोई ख्याल नहीं सी इन्हों का कि मेरे नाल आ हो गया जी। तो कद कपड़े धो के आ गए ना तीन जने से, एक दोस्त मेरे इधर से एक उधर से विचाले से। मैं तो विचाले वो प्यो ने खिंचया तो तिने तीन पुत से एक प्यो से तीसरी चौथी पंजी माँ से। ये तिने लै गए मेरे चा पंजे लै गए धू के, तो दो प्यो मामा से एक तो दोस्त से दोनों असला लैके उत्ते खलोते सी छत ते कि कोई आवे ना, कदों कोई आंदा सी ते धक्का मार देंदे सन। ये कलसूम बीबी है साजदा की सहेली और वाकये की ऐनी शाहिद। असी उस दिन कपड़े तो कह जाने से तीन जानी सी, ये साढ़े विचाले सी तो उत्थे खड़े सी गेट कोले खड़े सी।
सात जाने से एक उत्ते दो जने फायरिंग करते से उत्ते ते बाकी सी गेट च खड़े से उन्होंने हाथ से सड़ी सरिए पकड़े हुए सके ते साजदान जबरदस्ती पकड़ के घर लै गए रौला पान लग गई ते घरे जाके ते कपड़े उतारे ते फिर बाद चो कहिंदे लै के आओ पिस्तौल ते गोली मारिए ते मैं उत्थे कपड़े चक्की आंदी साजदा ते जिहड़े थले डगे सके। साजदा ने जरीना की मां से कहा कि खाला मुझे छुड़ा ले, मगर उसने साजदा को दो चार हाथ लगाए और जरीना का बाप और भाई भी बाज ना आए। वो उसे कमरे में ले गए और दरवाजा बंद कर दिया। इस कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए मजाक बनी एक बिनते हवा, हाफिजा साजदा केस में फिर क्या हुआ। साजदा अपनी दोस्त जरीना के माँ बाप और भाइयों से कहती रही कि वो उसे छोड़ दें, मगर उन्होंने साजदा की एक न सुनी और उसे घसीटते हुए अंदर कमरे में ले गए और फिर साजदा के कपड़े फाड़ दिए गए, ज्यादती की गई और उस पर तशद्दुद हुआ। एक मासूम लड़की हमसायों के जुल्म का शिकार हो गई। कुदरत गए ना पंजे नौ वाले अंदर लाके मैंने पंजे मैंने घोल दे रहे तो आपकी इज्जत बड़ी बचाई इन्होंने छड़ी ने, मैं बड़ी माफ़ी मंगी इन्होंने मैंने कोई नहीं छड़िया। कदम आम देख ली ना इन्होंने तो मेरे इन्हें छुरिया नाल कपड़े पाड़ते मैंने बहुत कुटे नाल इन्होंने मेरे नाल गुनाह किया। कदम गुनाह किया ना तो इन्होंने मैं बड़ी माफ़ी मंगी मैं खाला जी मैंने कपड़ा तो दे दो इज्जत कहते कोई कपड़ा कुपड़ा नहीं कहते फिर इन्हें मैं धक्का दिता इज्जत बाहर कदम कोई मैल फुला नंगी आई हैं। थोड़ी देर बाद साजदा को कमरे से निकाला गया, मगर एक ऐसी हालत में जिसे देखकर इंसानियत कांप उठे। इसी हालत में उसे गली में ले जाया गया। वो चीख चीख कर पुकार रही थी, सबसे इल्तजा कर रही थी कि खुदा के लिए मेरे बदन को कपड़ों से ढांक दो, मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी। वो तालियां पीट रहे थे और उसकी बेबसी पर जुमले कस रहे थे। ये जो वाकया हुआ ये बायस शर्म और इंतहाई हो लाख और बल्कि एक अलमिया है जिसे जो आदमी भी सुनता है उसके नज़दीक ये बेहद शर्मनाक वाकया नज़र आता है। बच्ची को नंगा करके बिल्कुल बरहना करके गली में ले आना फिर उसे गली में घसीटना कितनी बुरी बात थी। ये है साजदा की दूसरी सहेली। तीन जाने चुपचाप लोहे खिंच के अंदर ले गए जबरदस्ती इन्होंने की नंगे करके बाहर कड़ता असी शोर मचाया नहीं उन्होंने छड़िया बहुत भी छड़ दो इहदा की कसूर है पर नहीं छड़िया उन्होंने। गली में कोई नहीं था, साजदा की सहेलियां शोर मचा रही थीं और चीख चीख कर लोगों को मदद के लिए बुला रही थीं। वो सारे घर वाले मौजूद है, वो आदमी भी मौजूद है, उसकी बीवी भी मौजूद है, उसके तीन बेटे भी मौजूद है, उसकी लड़की भी मौजूद है। इन स्पाइट ऑफ दिस उन्होंने ये कदम उठाया कि लड़की जो नौजवान थी बराना कर दिया और नाज शरीफ लड़की। एक बूढ़ा बाबा बागली थोड़ी दूर से देख रहा था, वो रोने और चिल्लाने लगा कि खुदा से डरो ऐसा मत करो। उस वक्त गली में कोई आदमी भी नहीं था, एक आदमी था बूढ़ा ज़ईफ आदमी बागली किसी जमाने में व्यापारी था, उसने अपनी चादर उठाकर लड़की की तरफ फेंकी और वो रो रहा था पूरी तरह कि देखो इस चक के अंदर कितना बड़ा वाकया पेश आया है। मुबशर नवीद गुज्जर उस वक्त गांव के करीब मौजूद पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी का शिफ्ट इंचार्ज था। उस दिन जब ये वाकया हुआ है पेट्रोलिंग शिफ्ट इंचार्ज था मैं, 20 तारीख का ये वाकया तकरीबन 11:15 बजे एक पर्सन ने मैं कॉल की है कि 88WB रोड के साथ ही जो गांव है वहां पे एक लड़की को बरहना करके लड़की को घुमाया जा रहा है। मुलजिमान ने साजदा के कपड़े पानी के इस खाल में फेंक दिए थे जो यहीं से बरामद किए गए। मैंने कोई होश ख्याल नहीं किथे मैं डिगना किथे नहीं आन के मैं बाहर से डिगी तो मैंने इंसाफ चाहिए या फांसी का हुक्म चाहिए तो जा मैं। इसी दौरान मुबशर नवीद की पुलिस पार्टी करीब आ गई और उन्होंने ये शर्मंगेज मंजर देखा अपनी आंखों से। पुलिस पार्टी को देखते ही चारों मुलजिमान भागे, साजदा बेहोश हो चुकी थी।
मैं अपनी पूरी शिफ्ट के साथ मौके पे पहुंचा तो लड़की जो थी वो बरहना हालत में गलियों में भाग रही थी और चार अफराद जो कि मुसल्ला थे वो उसके पीछे थे। हमारी गाड़ी को देख के वो चारों अफराद भागने की कोशिश की है और लड़की हमारी गाड़ी के आगे आके गिर गई है। लड़की के ऊपर फौरी कपड़ा डाल के उसे एक औरत के हवाले किया है ताकि उसे कपड़े पहनाए जाएं। साजदा का तन ढांप दिया गया था और मोहल्ले ही की एक औरत के हवाले करके मुबशर नवीद गुज्जर मुलजिमान के ताकुब में चला। मुलजिमान छुप गए एक हवेली में और दरवाजा बंद कर लिया। पुलिस वाले अंदर कूदने के लिए दीवार पर चढ़े तो अंदर मौजूद जरीना की माँ हाथ में एक सरिया लिए खड़ी थी और दीवार पर चढ़ने वाले पुलिस वालों को मार रही थी। इसी दौरान मुबशर गुज्जर भी पहुंच गया। उसने हुक्म दिया कि दरवाजे तोड़ दिए जाएं और इस शर्मनाक काम में मुलव्वस मुजरिमों को हर कीमत पर धर लिया जाए। पुलिस वालों ने दरवाजे तोड़ दिए और मुलजिमान को हवेली से बरामद कर लिया। वो चारों अफराद एक हवेली के अंदर घुस गए। उसमें से एक आदमी जिसका नाम जावेद था वो दीवार फैलांग के उसने भागने की कोशिश की, जिसका ताकब करके उसके पीछे गया हूँ। तकरीबन 3 या 4 एकड़ के फासले पे जाके उसे मैंने गिरफ्तार किया है और हथकड़ी लगा के वापस लेके आया हूँ। जबकि बाकी जो 3 अफराद थे जो हमें नज़र आए थे वो एक हवेली के अंदर घुसे हुए थे और मेरी पूरी बाकी जो 3 अफराद की टीम थी उन्होंने हवेली को घिरा हुआ था। गाँव के अफराद भी उनके साथ थे। उन्होंने अंदर से दरवाजे बंद किए हुए थे और एक औरत जो कि अपना आहनी सरिये के साथ वहाँ पे मौजूद थी वो किसी भी फर्द को दीवार पे चढ़ने के लिए नहीं दे रही थी, इजाज़त नहीं दे रही थी, वो आगे से सरिया मारती थी। हमने दरवाजे तोड़ के उन लोगों को अंदर से बरामद किया और इसी इसना में पंजाब चौकी गढ़ा मोड़ के नवीद वड़ैत साहब को हमने कॉल की। वो मौके पर अपनी नफरी कैमरा पहुँचे और उन्होंने उन चारों अफराद को अपनी कस्टडी में लिया और थाना मित्रू ले गए। इसी इलाके का रिहायशी मुश्ताक अहमद कहता है, शरीफ लड़की सी, पढ़ी लिखी लड़की, आपसे पुरान है, जिन्हें उन्होंने बेइज्जत किया, इन्होंने बुरना किया है सारे इलाके दे विच, सारे लोग इन्हें मजम्मत करते हैं। तो ये वैसे इन्हों का करैक्टर भी बहुत खराब है, बदमाश है लोग ने, तो उन्होंने बच्ची ने बहुत बड़ी ज्यादती की। खुदा ने साजदा की सुन ली थी दुआ और मुलजिम नजीर बेटों समेत हवालात में गया। मुबशर नवीद गुज्जर की आंखें भी इस वाकये पर भर आईं। ये जो वाकया हुआ है ये लड़की के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। एक तो यतीम बच्ची थी। गांव के तमाम अफराद ने इस वाकये पे बड़ा सख्त रद्देअमल का इजहार किया है। लोग बड़े गुस्से में हैं और अभी तक लड़की को देखने के बाद, उस दिन जब मैंने देखा था उस दिन भी मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। आज भी मेरी वो कैफियत मैं बयान नहीं कर सकता कि मैंने उस दिन भी उस लड़की के सर पे हाथ रख के उसे अपनी बहन कहा था। मैंने कहा आप मेरी बहन हैं और मेरे दिल में फीलिंग्स एक बहन की तरह हैं कि ऐसे लगता है जैसे मेरी बहन के साथ ज्यादती हुई। DPO मेलसी मलिक दाऊद अहमद चक 88 आए और अपनी मौजूदगी में साजदा की FIR कटवाई। उन्होंने साजदा को इंसाफ देने की यकीन दहानी कराई। ये है वही FIR 295/11। जरीना ने जब ये सूरत हाल देखी तो अपने भाइयों और बाप को बचाने के लिए मैदान में आई और अपनी इज्जत लुटने की कहानी बनाई। उसने कहा कि साजदा का भाई घर की दीवार को फलांग कर उसकी इज्जत लूटने के लिए आया था, मगर क्या अहले इलाका और मोहल्ले के मुअज्जिज लोग इस वाकये को ऐसे ही देखते हैं? इसके भाई पे जो बाद में एक कहानी घड़ ली गई, इसने जी हमारी बच्ची के साथ जाती की, ये वो, आप अगर इस बच्चे को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो बच्चा है इस लायक ही नहीं है। ये बच्चा नहायत कमजोर और छोटे से कद का है, इस तरफ इसका ख्याल ही नहीं होगा। आप देख कर भी एक आदमी बिल्कुल सही अंदाजा लगा सकता है कि ये मन घड़त कहानी बनाई है इन्होंने इस केस से बचने के लिए। और ये कहानी भी उन्होंने उस वक्त बनाई जब FIR दर्ज हो गई और पुलिस ने थोड़ा सा इनके ऊपर दबाव डाला, उस वक्त ये कहानी इन्होंने बनाई कि ये हमारी लड़की के साथ इसने ऐसा किया, ये किया, वो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। राणा नेक मोहम्मद ने अपील की कि मुजरिमों को इबरतनाक सजा दी जाए। मैं इसे अपने दिल की अनथाक गहराइयों से इसे बुरा समझता हूँ और अरबाब इख्तियारात से मेरी अपील है, बल्कि दस्त बस्ता रिक्वेस्ट
मैं उनसे इल्तमास करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि मुजरमों को इंतहाई हौलनाक सजा दी जाए। खुर्शीद बीबी उसी गली में रहती है जहाँ जरीना का घर है। ये औरत जड़िया ने बड़ी गंदी सी जी, इसने ना सानू टांग छड़ा से इसमें ले आले। इस औरत ने जास्ती की थी, बच्ची जतीम है, वो तो है कोई नहीं सीगा इतने। उन्होंने ये आखा भी एक पोता जा है ये रो पिट के हट जाएंगे, तो पर यह नहीं जास्ती करनी चाहिए नहीं, जतीम बच्ची सी इन्हें कपड़े पाले कुड़ियों के बच्चों खिंच के लै गई उन्होंने वेख होने के महल्ले साढ़े से गंद होना चाहिए। मोहम्मद मंशा अंसारी जरीना का मामू है, ये गढ़ा मोड़ से कुछ फासले पर अपने इसी डेरे पर ही रहता है। इसने कहा ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं। नहीं कितने नहीं गया उन्होंने, वजह यह भी पहले उन्होंने मुंडे ने शरारत की साड़ी बच्ची के नाल, उस तो बाद माइया साड़ियाँ थी पै गई बस उन्होंने बच्ची माइया माइया लड़िया। जब मंशा से पूछा गया कि क्या उसने खुद ये वाकया देखा तो वो यूं कहने लगा, मैंने इन्हां दे नां दा किसे दा पता ही नहीं, मैं तुहानूं सही दस्सां गल, मैं उत्थे रामगढ़ आया गया। साजदा घर में चुप बैठी रहती है, गर्भनाक वाकये ने उसके जहन पर गहरे असरात छोड़े हैं। इलाके के साबिक नायब नाजिम मोहम्मद अरशद तबस्सुम ने गरीब साजदा को कानूनी मदद देने के लिए वकला का 9 रुकनी कमीशन बनाया है। हमने वकला फोरम पे जो है वो 9 रुकनी कमेटी इसमें तश्कील दी है और मैं भी इसमें शामिल हूँ। इंशाल्लाह मजलूम ख़ानदान को फ्री लीगल एड जो है और इनको हर तरह की कानूनी मशावरत जो है वो फराहम की जाएगी, हर फोरम पर इनको जो है वो सपोर्ट किया जाएगा और हर साहिब ज़मीर का ये हक बनता है कि इनकी वो सपोर्ट करे। हर साहिब और रोशन ज़मीर आदमी इसका साथ भी दे रहा है, कोई आदमी गाँव में जो है वो मुलज़िमों के साथ नहीं है, इसलिए कि ये वाकयातन मुदई फरीक के साथ मजलूम ख़ानदान के साथ उस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, इसलिए हर आदमी मुदई की सपोर्ट कर रहा है, उस बच्ची के साथ है। थाना मित्रों पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद चालान अदालत में दाखिल करना है। जिस तरह पुलिस साजदा और उसके घर वालों का साथ दे रही है, उम्मीद है कि उसे जल्द ही इंसाफ मिल जाएगा और इस वाकये से जुड़े सफाक और तरिंदा सिफ्त मुजरिमों को करार वाकई और इब्रतनाक सजा मिलेगी। ब्रेक के बाद देखिए, माँ बाप बेटी को सब कुछ दे सकते हैं मगर नसीब नहीं, एक दुखों की मारी की आप बीती मेरी कहानी में। कहते हैं माँ बाप अपनी बेटियों को रुखसत करते हुए सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन अगर नहीं दे सकते तो वो है अच्छा नसीब, उसके लिए वो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। ये कहानी है एक बूढ़े बाप रहमदीन की, जिसने अपनी बेटी को रुखसत करते हुए सब कुछ दिया और देता रहा, लेकिन फिर भी उसकी बेटी एक घर की खुशियाँ हासिल नहीं कर सकी। आइए सुनते हैं एक दुखी बाप की कहानी। मेरा नाम रहमदीन है, छोटा मोटा काम करके घर चलाता हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं, जब से उनकी माँ फौत हुई मैंने ही उन्हें माँ बन के पाला है। सबसे बड़ी बेटी शहजादी की शादी करती थी, एक दिन उसके ससुराल से खबर आई कि शादी के 3 साल बाद मेरी बेटी शहजादी मर गई। उसके ससुराल वाले कहते हैं कि उसने खुदकशी कर ली, लेकिन मेरी बेटी खुदकशी नहीं कर सकती। मेरे दामाद का तकाजा था कि घर से पैसे ला कर दे ताकि वो अपने कपड़े के कारोबार को और बढ़ा ले। मैंने जो था
वो जेहेज में दे दिया था और अब मुझ में सकत नहीं थी। मेरी बेटी जानती थी और इसी इनकार पर पूरा खानदान उसका मुखालिफ हो गया था। उस वाकया के कई दिन बाद जब मेरी बेटी के जख्म ठीक हो गए तो वो घर आई ताकि हमें पता ना चले कि उसे उन्होंने जानवरों की तरह मारा है। मुझसे जो बन पड़ा मैंने उसको दिया, लेकिन उसके आंसू मुझे बहुत कुछ समझा गए, मगर वो अपना घर छोड़ना नहीं चाहती थी, शायद इसलिए उसकी दो बहनें अभी घर बैठी थी। अगर वो घर वापस आ जाती तो उसकी बहनों को कौन बसाता। शादी के एक साल बाद मैं नाना बन गया। इस बात की मुझे बेहद खुशी थी, खुदा ने बिल्कुल मेरी बेटी जैसी एक नवासी दी थी। लेकिन लड़की की पैदाइश भी मेरी बेटी का जुर्म और औलाद उसके पांव की जंजीर बन गई। ले आ जाए, सस्ते की मारी हुई देर लगा देती है। सुन लो, क्या मैं अभी आ रहा हूं। क्या हुआ, कहाँ जा रहा है तू? अब्बा वो दुकान में आग लग गई है। आग लग गई? वो कैसे लग गई आग? इसे मनोज का गला घूर दे जाके। जब से ये पैदा हुई है घर में मुसीबतें आई जा रही है। आप भी तो किसी की बेटी हो, बेटियां तो वैसे भी अल्लाह की रहमत होती है। अच्छा जबान चलाने लगी है, जबान चलाने लगी है तू। बहुत जबान चलाती है, बहुत जबान चलाती है, बहुत जबान चलाती है, बहुत जबान चलाती है तू। शहजादी की सांस को लगने वाली चोट का बदला बाप बेटे ने मिलकर लिया। मारते हुए जब बेटा थक गया तो बाप ने मेरी बेटी को मारना शुरू कर दिया। तेरी ये मेरी मां से मम्मा माफी मांग। उस दिन वो वहां से चली आती, लेकिन उन्होंने धमकी दी कि अगर वो गई या किसी को इसके बारे में बताया तो वो उसकी बेटी को मार देंगे। और ममता तो होती है दीवानी, वो चुपचाप उनके जुल्म बर्दाश्त करती रही। दुकान के जलने का जो नुकसान हुआ था वो उन्होंने पूरा तो करना था, और उसके लिए उन्होंने मेरी बेटी पर रकम लाने के लिए दबाव डाला। अरे सबूत है, उसने अपने बाप से बात की है कि नहीं? बस और कुछ नहीं है मेरे बाप के पास। बकवास करती है, जबान चलाती है, मेरे बाप के साथ जबान चलाती है तो? अच्छा छोड़ दो, जबान चलाती है, छोड़ दो भगाए से, बस
सावन छोड़ भी दे। जा अच्छा उठ जा दफाओ अच्छा उठ ये तो मर गई है मर गई। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने खुदकशी की लेकिन मैंने उसके गर्दन पर जो निशान देखे उससे मुझे शक हो गया कि जरूर कोई ना कोई बात गलत हुई है। घर की बात थी, जनाजे के बाद बैठकर कर लेते तो अच्छा था। जनाजा हो जाता फिर तो बात खत्म हो जानी थी। और तुझे वहम हो गया है, हम भला क्यों मारेंगे उसे? ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। इल्जाम लगाता है हम पे है? छोड़, पागल हो गया है, इल्जाम लगा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साबित हो गया कि शहजादी का गला पहले दबाया गया और उसके बाद उसके मुंह में फनाइल की गोलियां रखी गई। इस तरह उन्होंने मेरी बेटी को मार दिया और वो चुपचाप इसलिए दुख बर्दाश्त करती रही कि कहीं वो अपने बाप पर फिर बोझ न बन जाए। अब अपनी नवासी की कफालत कर रहा हूं और खुदा से एक ही दुआ कर रहा हूं कि उसका मुकद्दर उसकी मां जैसा ना हो, क्योंकि मैं मोहब्बत, इल्म और दौलत तो दे सकता हूं लेकिन मुकद्दर उस खुदा ने देना है और उसके लिए मैं दुआ ही कर सकता हूं, सिर्फ दुआ ही कर सकता हूं। शहजादी जैसी कितनी ही लड़कियां हैं जो अपने माँ बाप के घर तो शहजादियां ही होती हैं लेकिन ससुराल जाकर जिंदगी का हर दुख महज इसलिए बर्दाश्त करती हैं कि कहीं वो अपने बूढ़े माँ बाप पर बोझ ना बन जाए। किसी की बेटी को तकलीफ देने से पहले अपनी बेटी के बारे में जरूर सोचें। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही वाकया हो रहा है या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policefile@dunianews.tv या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500, लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए, पुलिस से तो साफ छूट जाते हैं, लुटेरे आवाम को लूट जाते हैं। मुश्तरी होशियार बाश। खबरदार, महल्ले और गलियों में फिरकर अशिया बेचने वालों से होशियार रहिए क्योंकि इनमें से अक्सर तो रोजाना आते हैं मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक बार आते हैं क्योंकि उनका मकसद होता है कुछ और। एक पिकअप में खूबसूरत इंडोर पौधे फरोख्त करने वाले लोग आते हैं आपकी गली में और कहते हैं वो 1000 रुपए वाला पौधा दे रहे हैं सिर्फ 200 रुपए में। इस तरह वो जल्द से जल्द पौधे बेचकर जाना चाहते हैं अपने घर क्योंकि घर में है इमरजेंसी। खवातीन पौधे देखती हैं, उन्हें पसंद आ जाते हैं और वो 2-3 पौधे खरीद लेती हैं। कुछ खवातीन गमले वजनी होने की वजह से बुला लेती हैं अपने घर से किसी मर्द को ताकि वो गमले उठाकर घर तक ले जा सके।
और जिनके घर में कोई मर्द नहीं होता वो खातून कहती हैं पौधे फरोख्त करने वालों से कि वो गमले उठाकर घर में रख दें। इस तरह मौके का फायदा उठाते हुए वो लोग घर में दाखिल होकर कर देते हैं घर का सफाया, क्योंकि होता है खातून ने उन्हें खुद घर बुलाया। इन पैगामात के जरिए हम आपको होशियार करते हैं फ्रॉडियों के नित नए तरीकाए वारदात से, ताकि आप उनके फ्रॉड से बच सकें। मगर इसके लिए जरूरी है कि आप इन पैगामात को गौर से देखें और सुनें, ताकि आप उनके झांसे से महफूज रह सकें। मुश्तरी होशियार बाज। अगर आपके साथ भी हुई है कोई ना इंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policefile@dunyanews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500, लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।